दिल्ली हाई कोर्ट में मैंने पीआईएल फाइल किया था कि जब भी कोई थाने में कोई कंप्लेन दे तो एक अंडरटेकिंग भी दे कि जो वो शिकायत कर रहा है उसके लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराने के लिए तैयार है। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहते हुए पिटीशन को डिस्पोज ऑफ किया है कि कानून बनाना कोर्ट का काम नहीं है, कानून बनाना सरकार का काम है। मैंने दिल्ली हाई कोर्ट से यह कहा था कि जिस तरीके से बहुत बड़ी मात्रा में फेक केसेस फाइल हो रहे हैं, फेक एफआईआर फाइल हो रहे हैं, फेक गवाही हो रही है, झूठे केस, झूठी गवाही, झूठे कागज के कारण पूरे देश में जो निर्दोष हैं परेशान हैं और लाखों की संख्या में झूठे मुकदमे चल रहे हैं। इसका एक ही समाधान है कि जब भी कोई आदमी शिकायत करे पुलिस में या कोई भी व्यक्ति जब जाके कोर्ट में मुकदमा दाखिल करे तो एक अंडरटेकिंग दे कि जो कुछ मैं कह रहा हूं इसके लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराने के तैयार हूं। जब कोई गवाह आए वहां पे और गवाह ये कहे कि हाँ कुछ गवाही मैं देने जा रहा हूं तो पहले ये भी कह दे कि जो कुछ मैं कहने जा रहा हूं इसके लिए मैं अपना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं। भारत में लाखों की संख्या में झूठे मुकदमे फाइल हो रहे हैं, थाने में झूठी शिकायतें हो रही हैं, कोर्ट में झूठे मुकदमे फाइल हो रहे हैं, झूठी गवाही हो रही है, छेड़छाड़ के झूठे मुकदमे, SC ST एक्ट के झूठे मुकदमे, रेप के झूठे मुकदमे, इसके अलावा और भी तरह तरह के झूठे मुकदमे, दहेज के झूठे मुकदमे, ये जो झूठे मुकदमे हैं इनकी वजह से लाखों परिवार परेशान है। खासतौर पे समाज में जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो समाज के बीच में उठते बैठते हैं, चाहे हमारे वो शंकराचार्य हों, चाहे धर्मगुरु हों, या हमारे बड़े नेता हों, सांसद विधायक मंत्री हों, उनके मन में भी एक खौफ बना हुआ है कि कब कोई झूठा मुकदमा फाइल कर दे, खासतौर पे छेड़छाड़ का मुकदमा फाइल कर दे, रेप का मुकदमा फाइल कर दे। तो जब तक मुकदमे का पूरा निस्तारण होगा, जब तक फैसला होगा, तब तक तो उसकी इमेज कैसी तैसी हो जाएगी। बहुत सारे मुझे संत कथावाचक महामंडलेश्वर ये कह चुके हैं कि आजकल वो देश के बारे में कुछ कहने से डरते हैं और वो इसलिए डरते हैं कि कहीं विरोधी किसी से कोई आरोप लगवा दे और उनकी पूरी इमेज खराब हो जाए। और ऐसा पहले हो चुका है, कई सारे हमारे संतों के खिलाफ झूठे मुकदमे हो चुके हैं, कई सारे महामंडलेश्वर के खिलाफ, कई सारे राम जो हमारी भगवान राम की कथा करते हैं कथावाचक, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे हो चुके हैं। हरिद्वार में झूठे मुकदमे हुए हैं, मथुरा में झूठे मुकदमे हुए हैं, शंकराचार्य जी के खिलाफ झूठे मुकदमे हुए, झूठे मुकदमे से उनकी इमेज खराब हो जाती है, वो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचते, वो दोबारा कथा करने की हिम्मत नहीं करते। अब जब वो बरी हो जाते हैं तब तक तो लोगों को दिमाग में ये बात आती भी नहीं है, खा वो बरी भी हो गए, एक बार इमेज खराब हो गई तो खराब हो गई। इसका एक ही समाधान है कि जब भी कोई थाने में कंप्लेन करे कि मेरे साथ ये हुआ है तो अंडरटेकिंग दे कि हाँ इसके लिए मैं अपना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कराने के लिए तैयार हूं। मैंने कोर्ट से यह भी कहा कि ये जो जंतर मंतर पे पहलवानों का पूरा धरना वगैरह चल रहा है, अगर नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून होता तो ये धरना प्रदर्शन नहीं होता। पहलवान जो आरोप लगा रहे हैं वो सच है, या ब्रजभूषण सिंह शरण सिंह जो अपनी सफाई में कह रहे हैं वो सच है, दोनों का टेस्ट हो जाता, 24 घंटे में पता चल जाता कि पहलवान सच बोल रहे हैं या ब्रजभूषण शरण सिंह सच बोल रहे हैं। इसी तरीके से जो बड़े बड़े आरोप लगाए जाते हैं, उदाहरण के लिए पहले केजरीवाल ने बोला था कि अदानी की कंपनियों में जो पैसा है वो प्रधानमंत्री का है, मोदी जी का है, अगर हमारे पास नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून होता तो 24 घंटे में पता चल जाता केजरीवाल जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। कई बार पॉलिटिकली ऐसे कुछ भी आरोप लगा दिए जाते हैं और सच्चाई सामने नहीं आ पाती, और कई बार ऐसा भी होता है जहां सही में आरोप होता है वहां पे भी लोग निर्दोष छूट जाते हैं, गवाह पलट जाते हैं, गवाही देने नहीं आते, बेचारा शिकायत करता रहता है और सब जितने गवाह पलट जाते हैं। अगर नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग हो और दोनों का हो, शिकायत करने वाले का भी हो और जिसके ऊपर आरोप लगाया उसका भी हो, 24 घंटे में मुकदमा, 24 घंटे में सच्चाई सामने आ जाएगी। ये जो सालों साल मुकदमा चलता है, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुकदमा हो, चाहे जमाखोरी का हो, चाहे मिलावटखोरी का हो, चाहे कालाबाजारी का हो, चाहे नशा तस्करी का हो, सालों साल मुकदमा चलता रहता है,
24 घंटे में सच्चाई सामने आ जाएगी। तीस्ता शीतलवाड़ का आपने देखा, अभी सुप्रीम कोर्ट से उसको बेल मिली है। 2002 का केस चल रहा है, 2023 आ गया, 2002 से 2023 आप जरा सोचिए, 21 साल बीत चुके हैं, अभी तक तीस्ता शीतलवाड़ सच बोल रही है या झूठ बोल रही है पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि हमारे पास नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं है। 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, उसका केस आज भी चल रहा है। 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हुआ, उसका केस आज भी चल रहा है। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ, उसका केस आज भी चल रहा है। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून होता तो बहुत सारे सांसद विधायक मंत्री जेल में होते। आपको याद होगा संसद में गड्डियां लहराई गई थी, आज तक उसमें कुछ नहीं हुआ। और बाकी तो छोड़िए, बिट्टा कराटे यासीन मलिक जिन्होंने पब्लिकली कहा कि हाँ मैंने मारा है, आज तक उनको भी कुछ नहीं हुआ। अगर कोर्ट को एविडेंस चाहिए तो आज जब इलेक्ट्रॉनिक आईटी का जमाना है, एडवांस टेक्निक चल रही है, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइम में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाने में क्या समस्या है? नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग को अनिवार्य करने में क्या समस्या है? अरे भाई, जो ईमानदार होगा उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो गलत होगा उसकी गलती सामने आ जाएगी। हाई कोर्ट ने भले मना कर दिया है, इस मैटर को मैं सुप्रीम कोर्ट ले आऊंगा, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करूंगा। और सरकार से भी निवेदन करता हूं कि आप तत्काल नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाइए। कोर्ट से मैटर डिसाइड होने में सालों साल लग जाता है, संसद में एक दिन के अंदर कानून बन जाता है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, आप चाहते हैं कि हाँ नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून हो, फर्जी केस बंद हो, फर्जी गवाही बंद हो, फर्जी मुकदमे बंद हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और अपने सांसदों विधायकों से मांग करिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाने की। जहां अगर आप किसी आईएएस आईपीएस को जानते हैं उसको ये वीडियो भेजिए, किसी जज को जानते हैं उसको ये वीडियो भेजिए और पूछिए कि नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाने में क्या समस्या है, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग अनिवार्य करने में क्या समस्या है। दुनिया के कई देशों ने बना लिया, अमेरिका ने बना लिया, सिंगापुर ने बना लिया, फिर भारत में ये क्यों नहीं होना चाहिए, ये टेस्ट क्यों नहीं होना चाहिए? बहुत आसान हो जाएगा जिस दिन ये नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून अनिवार्य हो जाएगा। इस वीडियो को इसलिए शेयर जरूर करिएगा। VK News, राष्ट्र के नाम।